हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास सेवन्थ की होम साइंस की बुक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने क्लास सेवन्थ का लेसन नाइन्थ तक कंप्लीट कर लिया है। और इस भाग में हम लोग क्लास सेवन्थ की बुक आज पूरी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जो आपके तीन चैप्टर बाकी हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको क्लास सिक्स से लेकर एट क्लास की बुक पढ़नी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का बेस होता है, तो इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी लाइव क्लास की अपडेट मिलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेसन आपका 10 है, पाक कला। तो इसमें देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला देखिए रोटी बनाना कैसे बनाते हैं, ये सब है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आपका है सूखी सब्जी कैसे बनाना है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तभी मैं दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको, आप लोग देख लो, ठीक है। रसेदार सब्जी, लौकी का कोफ्ता, तहरी, आम का पन्ना, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब है भोजन परोसना। तो देखिए क्या है, भोजन बना लेना ही नहीं, भोजन को अच्छे से परोसना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भोजन परोसना भी एक कला है, और भोजन परोसते समय हमें नई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कौन सा कि देखिए, भोजन परोसने का स्थान क्या होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। भोजन परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र साफ़ सुथरे, नाखून कटे हो, साफ होने चाहिए और उनके बाल बिखरे ना हो। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित होकर भोजन करना चाहिए। भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए। भोजन खाने के बर्तन स्वच्छ होने चाहिए। थाली या खाने की मेज़ पर व्यंजन इतने आकर्षक ढंग से परोसे जाए कि खाने वाले व्यक्ति की भूख बढ़ जाए। भोजन यदि खाने की मेज़ पर परोसा हो तो मेज़ पर फूलों का एक गुलदस्ता होना चाहिए, ठीक है। भोजन में सलाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि सलाद में प्रयोग की जाने वाली सामग्री भली भांति हो, प्लेट आकर्षण ढंग से सजाई गई हो। भोजन परोसते समय ध्यान रखने, भोजन परोसते समय खाना खाने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। भोजन परोसते समय मधु संगीत अथवा मधु वार्तालाप होनी चाहिए। भोजन परोसते समय सभी सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए। भोजन करने के पश्चात यथासंभव लौंग, सौंफ, गरी, मिश्री, छोटी इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है गृह प्रबंध, ठीक है। तो गृह प्रबंध है तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमारे घरों में खटमल, मच्छर, जू, दीमक जैसे कीट पाए जाते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाते हैं। अच्छे गृह प्रबंध के लिए हमें इन हानिकारक कीट से बचाव तथा घरेलू खर्चों के हिसाब किताब रखने के उपाय के बारे में जानना होता है, ठीक है। खटमल, मच्छर, जू और मक्खियाँ हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले जीव हैं। कितना ही सुंदर घर क्यों ना हो, कितनी भी सुंदरता से हम लोग साज सज्जा क्यों ना कर लें, लेकिन मच्छर मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी तो उस घर में कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। कितना ही नरम मुलायम बिस्तर हो, यदि खटमलों ने वहाँ निवास बना लिया है तो उस बिस्तर पर कोई सोना नहीं पसंद करेगा। इसी तरह हमारे शरीर में अगर जुएँ हो जाए तो हम असर खुजाते रहेंगे, तो फिर कौन आएगा हमारे पास, कोई नहीं। सब कहेंगे इसके जुए सिर में जुए हैं, भैया दूर भागो, ठीक है। इसी तरह का जीव दीमक भी है। खटमल, मच्छर, जुए हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दीमक हमारे घर की वस्तुओं की क्षति पहुंचाता है। यह हमारे कपड़ों, अनाज, फर्नीचर, कॉपी, किताबों को धीरे धीरे चाट जाता है, ठीक है। अच्छे गृह प्रबंध के लिए हानिकारक कीटों को नष्ट करने के उपाय में सोचना होगा, नहीं तो ये कीट हमारे गृह प्रबंध को थोड़ी समय में बिगाड़ देंगे, ठीक है। खटमल, ये गारे लाल रंग और चपटे आकार का कीड़ा है। इसके 6 पैर, 2 सूंड होती है। इन्हीं सूंडों से हमारे शरीर का खून चूसते हैं, ठीक है। अपनी चपटी आकृति के कारण यह दिन के उजाले में चारपाई, मेज, कुर्सी, पलंग, अलमारी के दरारों में छुपे रहते हैं। रात के में अंधेरा होने पर
यह निकलता है, मनुष्य को काटता है। इसके काटने से त्वचा लाल रंग की हो जाती है, कटे हुए स्थान पर दाने निकल आते हैं और सूजन हो जाती है, चिकत्ते भी पड़ जाते हैं और इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। बचने के उपाय, हम घर में धूप पहुँचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, दीवारों में पड़ी दरारों को बंद कर देना चाहिए। ऐसे फर्नीचर जिसमें खटमल पड़े हों उनके दरारों में केरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। खटमल मारने वाली दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर हमारे लिए बहुत हानिकारक कीट हैं। इनके काटने से फरेलिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारी हो जाती है। ये मक्खी के आकार से थोड़ा छोटा और उड़ने वाले कीट हैं। कूड़े, कचरे और जल भराव के स्थलों पर ये बहुता पाए जाते हैं। अंधेरे स्थानों पर मच्छर अधिक संख्या में होते हैं। शाम के समय इनका प्रकोप अधिक होता है। ये हमारी कोमल त्वचा से रक्त चूसते हैं, जिससे कई बीमारी का खतरा हो जाता है। मच्छर की 3 प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट डाउन, ठीक है। बचाव के क्या उपाय, तो खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। घर के आसपास पानी का भराव ना होने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। समय समय पर घर के मच्छरनाशक दवाओं का छिड़काव करें। मच्छरों से बचाव के लिए कई दवाई बाजार में उपलब्ध है, इनका भी प्रयोग सुविधा अनुसार करना चाहिए। मक्खी सर्वाधिक रोगों को जन्म देने वाली कीट है। यह रोगों के जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से फैलाती है। इसके पैर रुएदार हैं, ये गंदे स्थानों पर बैठती है, जिससे कई रोगों को फैलाने वाले जीवाणु इसके पैर में चिपक जाते हैं। यही जब हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठती है तो उसके पैर में चिपके जीवाणु खाने की सामग्री पर चिपक जाते हैं। खाने की यही दूसरी सामग्री हमारे अंदर अनेक रोगों को जन्म देती है। मक्खियाँ मीठी चीज़ों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, क्योंकि इनके सूखने की शक्ति अत्यधिक होती है। गर्मी बरसात के दिनों में इनकी संख्या अधिक दिखाई देती है। बचने के उपाय, खाने की सामग्री और पीने के पानी को सदैव ढक के रखना चाहिए। घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़े में डालना चाहिए। घर के आसपास मल, गोबर, गंदा पानी एकत्र नहीं होना चाहिए। घर के फर्श को फिनाइल मिश्रित पानी से पोंछते धोते रहना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जू सिर के बालों में रहने वाला कीट है। ये कत्थई रंग की होती है और यह बालों के जड़ में चिपकी रहती है, जो सर के त्वचा से चिपक कर खून चूसती है। इसके कारण हमारे सिर में खुजली होती है, जो बाद में अनेक रोगों का कारण होती है। जू का प्रारंभिक रूप लीक होता है, जो विकसित होकर जूब का रूप धारण कर लेता है। इससे बचने के उपाय कि बालों को सदैव साफ रखना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 बार सर धुले साबुन या शैम्पू से। जुए निकालने के लिए महीने में दांत वाली कंघी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जुओ को नष्ट करने की दवाई भी बाजार में उपलब्ध है। सर में जुए पड़ने पर इनका प्रयोग करना चाहिए। दीमक प्रायः दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों पर सीलन युक्त घरों की नींव और दीवारों में रहती हैं। ये कागज और लकड़ी के सामानों को खाकर अंदर से खोखला बना देती है और इसका रंग मटमैला होता है। बचाव के उपाय क्या है, घर में धूप आने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। दीमक लगी दीवारों को मिट्टी के तेल से पोंछ कर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। अलमारी के अंदर यदि दीमक लगा हो तो वहाँ कीटनाशक पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। कीटनाशक और कृमि नाशकों का प्रयोग, तो हानिकारक कीटाणु से बचाव के लिए हमें समय समय पर कीटाणुनाशक का प्रयोग करते रहना चाहिए। प्रकृति में उपलब्ध ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका प्रयोग कीटाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जिसका उपयोग करने से कीटाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए प्रकृति, जैसे इसका स्रोत है सूर्य की रोशनी, हवा। तरीका, समय समय पर घर की खिड़की दरवाजों को खोल के रखना चाहिए, जिससे धूप अंदर आ सके। रसोई के डिब्बों, चादरों, गद्दों को सप्ताह महीने में एक बार धूप अवश्य दिखानी चाहिए। घर के कमरे ऐसे बनाने चाहिए जिससे सूर्य की सीधी धूप और हवा आ सके। लाभ, घर में सीलन नहीं आएगी, खाने की चीज़ों में फफूंद नहीं लगेगी। भौतिक प्रकार, खौलता जल, अधिक गंदे वस्त्रों को खौलते पानी में धोना चाहिए। चारपाई, मेज, कुर्सी की दरारों में खौलता जल डालना, वस्त्रों को कीटाणु रहित करना
खटमल नष्ट हो जाते हैं। फिर रासायनिक चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन टेबलेट, नेप्थिलीन की गोली। तो चूना, चूना से नालियों और सड़कों के किनारे छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, इससे विषाणु नष्ट होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, तो नालियों और शौचालय छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, तो नालियों और शौचालय में छिड़काव करना चाहिए, कीटाणु नष्ट होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट, कुएँ, तालाब, पोखर, ठीक है, तो कुएँ, तालाब, पोखर आदि से दवा डालना, कीटाणु नष्ट होते हैं। फिर क्लोरीन टेबलेट, पीने के पानी की बाल्टी में दवा घोलना, ठीक है, तो क्लोरीन टेबलेट में पीने के पानी की बाल्टी में दवा घोलना, जल कीटाणु मुक्त हो जाता है। फिर नेप्थिलीन, ठीक है, नेप्थिलीन की गोली, कपड़ों के बीच दवा रखना, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। ही हिसाब किताब, ठीक है, तो आपके घर के खर्चों का हिसाब कौन रखता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, मम्मी या पापा या कोई जो है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गृह गृहस्थी के सफल संचालन के लिए घर का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। घरेलू खर्चों का हिसाब रख के जहाँ एक ओर हम अपने आय व्यय में संतुलन रखते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय के से कर पाते हैं, ठीक है। घरेलू खर्चों का हिसाब रखने के स्वरूप अलग अलग होते हैं, जैसे खेती बाड़ी का हिसाब, शिक्षा का हिसाब, रसोई का हिसाब, वस्त्रों की धुलाई का हिसाब, ठीक है, जैसे वस्त्रों की धुलाई का हिसाब, ठीक है, इसमें रखना है तो जैसे रोज़ रोज़ पहनने वाले कपड़ों को हम लोग प्राय अपने हाथ से धोते हैं, ओढ़ने बिछाने के कपड़े इतने बड़े तथा भारी होते हैं कि उनकी धुलाई घर में उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाती है, और सभी घरों में ऐसे कपड़े धुलाई के लिए दुकानों में दिए जाते हैं। कुछ घरों में दैनिक पहनने के वस्त्रों को भी बाहर धुलाया जाता है। गंदे कपड़ों की समय अनुसार धुलाई और उसकी वापसी सही ढंग से हो, इसलिए धुलाई को दिए जाने वाले वस्त्रों का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। इन वस्त्रों का हिसाब तालिका बना के रखते हैं, नीचे दी गई तालिका है, आप समझ सकते हो कैसे हिसाब करना है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, कोई भी कपड़ा धोने के लिए देने से पूर्व उसकी जेबों को अच्छी तरह से जाँच ले, फटे हुए वस्त्र को धुलाई देने से पूर्व मरम्मत कर ले। वापसी के समय एक एक वस्त्र का मिलान तालिका में करते हुए सूची में निशान लगा लें। जो वस्त्र समय पर ना मिले उसकी अलग सूची बना लें। धुलने वाले को दिए गए पैसों का हिसाब तारीख के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, माह के अंत में उसका पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। बजाय का हिसाब, आपके घर में रोज उपयोग की वस्तुएं बाजार से खरीद कर आती हैं, कुछ लोग अनाज अपने खेतों में पैदा करते हैं लेकिन बाकी चीज़ें जैसे तेल, मसाला, साबुन, सब्जियाँ की खरीदारी करनी पड़ती है। बाजार से खरीदारी करने वाली वस्तुओं का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। बाजार की खरीदारी का दैनिक और मानसिक हिसाब रखने से आय व्यय में कठिनाई नहीं आती है। बाजार से खरीदारी का हिसाब सुविधा अनुसार तीन अवधि में रखते हैं, एक दैनिक, एक साप्ताहिक और फिर मानसिक, ठीक है। दैनिक हिसाब, तो जो हम रोज लेते हैं जैसे फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, तो इसका हिसाब किताब रखना है, ठीक है। फिर आपका मासिक सफाई में जैसे अनाज, दालें, तेल, ये जो महीने भर में आ रही हैं, ठीक है, तो इसका हिसाब किताब रखना है, ठीक है, कि कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है, वस्तु क्या है, ठीक है इसका। तो मासिक खरीदारी करने से पूर्व हमें अपने घर के खर्च का पूर्ण अनुमान भी होना चाहिए, या तभी संभव है जब हर महीने हम अपने घर का अनुमानित बजट स्वयं तैयार करें। बजट बना लेने से खर्चों का अनुपात नियंत्रित रहता है और अपव्यय से बचा जा सकता है। किसी भी घर का मासिक बजट उस घर की महीने भर की आय पर निर्भर करता है। हमें अपने घर के आय के अनुसार ही खर्चा करना चाहिए। आय से अधिक खर्च होने पर घर का प्रबंध निश्चित ही कुछ दिन में बिगड़ जाता है, और अच्छे गृह प्रबंध के लिए आय व्यय में संतुलन बहुत जरूरी है। घर का मासिक बजट बनाने के लिए घर के सभी सदस्यों को एक साथ बैठ कर बात करनी होगी, जो जरूरी है वो लेना है। सभी की आवश्यकता के अनुसार ही घर का बजट बनाना चाहिए, ठीक है। देखिए, नीम की पत्तियों को सुखाकर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। चारपाई, पलंग आदि को चिलचिलाती धूप में 3 से 4 घंटे रखने से खटमल मर जाते हैं। सूखे चूने का छिड़काव करने से मक्खियाँ नहीं आती।
दीवारों की पुताई के समय चूने में तूतिया का घोल मिलाकर पुताई करने से मक्खियां नहीं बैठती। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगाने से जुए मर जाते हैं। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से सर धोने से जुए मर जाते हैं। नीम की पत्तियों को सुखाकर अनाज के साथ रखने से अनाज के कीड़े की अनाज में कीड़े नहीं पड़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट है धुलाई कला। तो ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई कैसे करनी है, तो एक देखिए क्या है ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ऊनी वस्त्रों की धुलाई दो प्रकार से होती है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों की धुलाई में देखिए वस्त्र ऊनी वस्त्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हाथ से बुने हुए और एक मशीन से बुने हुए। तो मशीन से बुने वस्त्रों को जहाँ तक हो डाई क्लीन कराए। ठीक है, ऊनी कपड़ों को ब्रश से झाड़कर धूल साफ कर लें। हल्के गुनगुने पानी से रीठे का सत यानी पानी अथवा ऊनी वस्त्रों के लिए विशेष रूप से बनी धुलाई सामग्री को डालकर खूब झाग उठाएं। कपड़े को साबुन में के पानी में डालकर 5 मिनट तक भीगने दें, फिर हल्के हाथ से मले। ठीक है, यदि किसी स्थान पर वस्त्र अधिक गंदा है तो वहाँ साबुन का गाढ़ा घोल लगाकर साफ करें। साफ पानी में तब तक धोएं जब तक साबुन का पानी अच्छी तरह ना निकल जाए। हाथ से दबाकर उसका पानी निकालें। धुले वस्त्रों को तौलिया में लपेटें। तौलिया अतिरिक्त पानी सोख लेगा। छायादार स्थान में चैकी या तख्ता पर फैलाएं। ठीक है, फिर ऊनी वस्त्रों को धोते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है कि धोने से पूर्व धूल को अच्छी तरह झाड़ लें। क्या करें, जो धूल है उसे अच्छी तरह झाड़ लें। यदि गर्म कपड़े फटे हों तो उन्हें रफू करा लें। इजी या रीठे में धोएं। ठीक है, रंग छोड़ने वाले गर्म कपड़े अलग धोएं। हल्के गुनगुने पानी में धोएं, ब्रश से रगड़ कर ना धोएं। ऊनी वस्त्रों को कभी भी ऐट कर मरोड़ कर ना निचोड़ें। हैंगर या रस्सी पर ना टांगें। धूप में ना सुखाएं। समतल स्थान चारपाई पर रखकर सुखाएं, जिससे वस्त्र का आकार नहीं बिगड़ने पाता। वस्त्रों को उल्टा करकर सुखाएं। रेशमी वस्त्रों की धुलाई, तो रेशम के धागे रेशम के कीड़े से प्राप्त किए जाते हैं। ये धागे बहुत कोमल और नाजुक होते हैं। अधिक ताप व क्षार के प्रभाव से ये कमजोर पड़ जाते हैं। नोट डाउन, ठीक है, इसे नोट डाउन कर ले। इसलिए इनको धोते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इन्हें साबुन के घोल में या रीठे के घोल में भिगोएं। 10 मिनट बाद एक एक करके हल्के हाथों से मल कर मैल साफ कर लें। 4 से 5 बार साफ पानी से कपड़े को धोएं। इन वस्त्रों में चमक लाने के लिए बाद में अंदाज से पानी लेकर थोड़ा सा सिरका डाल के वस्त्र को डुबो कर तुरंत निकालें। इन कपड़ों में कड़ापन लाने के लिए गोंद का कलफ प्रयोग करें। इन्हें छायादार स्थान पर सुखाएं। फिर रेशमी वस्त्रों को धोते समय बात क्या ध्यान में रखनी है, इन वस्त्रों को हल्के हाथ से मल कर धोएं। कपड़े को पीटे नहीं, इससे कपड़ा फट जाएगा। तेज धूप में ना सुखाए, इससे रेशमी वस्त्रों का रंग उड़ सकता है। इसमें नील ना लगाए, इन्हें गर्म पानी में ना धोए, मरोड़ कर या ऐड कर ना निचोड़े। वस्त्रों पर इस्त्री या प्रेस करना। ठीक है, तो वस्त्र धोने से उसमें सिलवटें आ जाती हैं और कपड़ों पर इस्त्री करना बहुत जरूरी है। इस्त्री दो प्रकार की होती है, कोयले की और एक बिजली की। ठीक है, तो इस्त्री करने से क्या लाभ है, वस्त्रों की सिलवटें दूर हो जाती हैं, वस्त्र आकर्षण सुंदर लगते हैं, वस्त्रों में चमक आती है, कपड़ों में क्रीज बनी रहती है। सूती और ऊनी रेशमी वस्त्रों की बनावट अलग अलग होती है। इसमें अलग अलग प्रकार का धागा प्रयोग किया जाता है। कुछ वस्त्र अधिक ताप सहन कर लेते हैं, किंतु कुछ केवल हल्का ताप सहन कर पाते हैं। इस्त्री करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कपड़ा इस्त्री करने से पहले इस्त्री को साफ कर लें। इस्त्री हमेशा समतल स्थान या तख्त पर मोटा साफ कपड़ा बिछा के करें। इस्त्री करते समय क्रीज या मोड़ का ध्यान रखें। इस्त्री को एक जगह अधिक देर तक ना रखें। ऊनी वस्त्रों पर इस्त्री करना। ठीक है, तो ऊनी वस्त्रों पर उल्टी ओर से प्रेस करें। इंपॉर्टेंट, प्रेस हल्का गर्म हो। ऊनी वस्त्रों पर सूती मलमल का भीगा वस्त्र बिछा कर प्रेस करें। रेशमी वस्त्रों पर प्रेस करना, रेशमी वस्त्रों को सीधा करके इस पर गीला कपड़ा डालकर इस्त्री करें। हल्की गर्म इस्त्री का प्रयोग करें। वस्त्रों की रखरखाव और सुरक्षा, वस्त्र हमारे रक्षक होते हैं। ये सर्दी गर्मी बरसात से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है इन बातों का ध्यान में रखना। वस्त्र रखने की अलमारी
और बक्से को साफ और सीलन युक्त होना चाहिए। वस्त्र रखने के पूर्व इस पर अखबार बिछा देना चाहिए। अलमारी में नीम की सूखी पत्ती, ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां, इससे वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं। सर्दियां समाप्त होने पर ऊनी वस्त्रों को धोकर सुखाकर अखबार में लपेट कर रखना चाहिए। जरी गोटे से बने वस्त्रों को प्लास्टिक की थैली में बंद करके रखना चाहिए। समय समय पर वस्त्रों को नमी मुक्त करने के लिए धूप दिखाना बहुत जरूरी है। तो क्या समय समय पर जो वस्त्रों में नमी आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए उसे धूप दिखाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ क्लास 7th की जो आपकी बुक है वो फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8th को फिनिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।